हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 69,000 भर्ती उत्तर कुंजी मामले में। आप सबको पता है कि 1 जून यानी आज लखनऊ की बेंच में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई। यहां पर मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं और शाम 5 बजे तक एजी साहब ने यहां पर अपना पक्ष रखा, लेकिन जज साहब ने अंतरिम राहत पर ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर दिया है उत्तर कुंजी का। जी हाँ, 5 बजे तक बहुत ही सटीक बहस चली। पहले 13 प्रश्न पर, फिर 6, फिर 4 और फिर 1 प्रश्न पर इस तरह एजी साहब जो है घुमाते रहे बात को, लेकिन जज साहब ने उनकी एक नहीं सुनी और अंतरिम राहत यानी इंटररिम रिलीफ पर ऑर्डर को रिजर्व कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अंतरिम राहत में क्या राहत मिली? ऑर्डर रिजर्व हुआ, ठीक है। तो एक संक्षिप्त जानकारी के रूप में मैं आपको बता दूं कि बहस लगभग पूरी हुई और इसका ऑर्डर अंतरिम राहत पर यानी जितने भी याचिकर्ता हैं और जिस पक्ष के लिए वो इस केस को कोर्ट लेकर के गए थे, वहाँ पर 69,000 भर्ती का अब 3 जून को फैसला सुनाया जाएगा इस ऑर्डर को। जी हाँ दोस्तों, अंतरिम राहत क्या मिली है और इसमें क्या होगा, इसका फैसला आपको 3 जून को ये देखने को मिलेगा। यानी आज है 1 मई, इसके बाद होगा 2 मई और परसों 3 मई। तो परसों आप सबको पता चलेगा कि उत्तर कुंजी मामले में अंतरिम राहत के नाम पर कोर्ट से क्या मिला। वैसे 2 प्रश्नों पर तो एजी साहब भी मान गए थे, गोरखनाथ और प्रति व्यक्ति आय पर। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि 4 प्रश्न पर कोर्ट को कन्विंस कर लिया गया है। तो गोरखनाथ प्रति व्यक्ति आय के बाद मैं आपको बता दूं कि एक एसएन मुखर्जी की परिभाषा वाला प्रश्न जो है वो बहुत सटीक था। तो यहाँ पर अब मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं, इस विषय पर अभी कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे ही अपडेट होगी आप चैनल से बने रहिए। इस ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल, भर्ती पर स्टे हुआ या नहीं, 69,000 भर्ती उत्तरमाला विवाद के बाद क्या मेरिट लिस्ट जारी होगी, इन सब की जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। बस थोड़ा सा वेट करिए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें।